की साक्षरता ही है सफलता की कुंजी इकलौती चुनौती। अज्ञान हटे शिक्षा के मिले जब मोती। इसी जोत से जीतेंगे हम जीवन की हर चुनौती चुनौती। भाइयों और बहनों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस नए और अनोखे प्रोग्राम चुनौती में। आज यहाँ हमारे दो नई टीमें खेलने जा रही हैं, प्रेरणा और चेतना। आज हम यहाँ आपके गांव में ये खेल खेलने आए हैं और आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको ये खुली हवा, बैठने के लिए इतनी सारी जमीन और सूरज आपके सिर पे है। बॉम्बे शहर के भागमदौड़ से ये जगह कितनी सुहानी लगती है। हम आपसे आज बहुत कुछ ले रहे हैं और अगर बदले में हम कुछ आपको दे पाए तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। तो आइए सबसे पहले हम मिलते हैं अपने प्रतियोगियों से। चलिए आप बताएंगे अपना नाम। मेरा नाम विलास है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप खूब अच्छा खेल खेलें। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम भरत है। भरत आप क्या करते हैं? मैं चौथी क्लास में पढ़ता हूँ। चौथी क्लास में पढ़ते हैं आप। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महबूब है। महबूब, महबूब आप क्या करते हैं? मैं दुकान में बैठता हूँ। दुकान में अपने पिताजी के साथ? नहीं, वो मामू की दुकान में बैठता हूँ। मामू की दुकान बैठते हैं। और आप? मेरा नाम संतोष है। संतोष, संतोष आप क्या करते हैं? कौन सी क्लास में है? क्लास नहीं पढ़ते। आप पढ़ाई नहीं करते हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस खेल से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपको नई नई चीजों की जानकारी होगी। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और चलते हैं हम अपने पहले राउंड की तरफ। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये टीम गेम है, मतलब हम अलग अलग खेलेंगे। आपको समय दिया जाएगा 60 सेकंड का। करना ये है कि जो भी टीम पहले खेलेगी, एक साथी आपका यहाँ खड़ा होगा और दूसरा उस कोने में। नेहा जी आपको एक बात बताएंगी, कोई भी बात, आपके कान में आहिस्ते से। आपको अपने दूसरे साथी से वही बात जाकर बोलनी है। अगर इनकी कही हुई बात आपकी बात से, मतलब आपके साथी की बात से मेल करती है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, यानी पूरे 150 अंक। समझ गए आप? तो आइए शुरू करते हैं अपना खेल संचार। एक बात याद रखिएगा, क्या नाम है आपका? विलास। बात कहने के बाद आपको यहाँ से चलकर, ये टेबल से घूमकर, फिर इसे फांदकर, फिर उसे फांदकर, फिर उसे फांदकर वहाँ पहुँचना, फिर बात उसके कानों में कहनी है। मतलब उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि कौन सी बात कही, ठीक है? आइए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या कहना है। आपका समय शुरू होता है अब। मैं पढ़ लिख कर बड़ा होकर महान काम करूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। ये आपकी लाइन है। हम उनके कान में गई। अभी आप यहां आइए, अब यही बात आप जोर से यहां सबसे कहिए। कहिए। एक मिनट ये लीजिए, अब बोलिए। मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर महान काम करूंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आपको पूरे 150 अंक मिलते हैं। अब बारी है चेतना टीम की। आइए आइए जल्दी से आइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपका समय शुरू होता है अब। मुझ में जो शक्ति है उसका मैं पूरा उपयोग कर समाज का भला करूंगा। समझ गए आप? आपका
जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, समय निकला जा रहा है, जल्दी से आइए। हाँ माइक लीजिए, वेरी गुड। अब बताइए। मेरी जो भी शक्ति है मैं पूरे समाज के लिए करूँगा। फिर से कोशिश कीजिए, याद कीजिए क्या बोला इन्होंने आपको। मेरी पूरी शक्ति है सारे समाज के लिए सेवा करूँगा। आपको हम एक और चांस देते हैं, चलिए। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, पूरी कोशिश की आपने। कोशिश इन्होंने पूरी की थी। गलत बोला आपने, बात क्या थी बता दीजिए। मुझमें जो शक्ति है उसका मैं पूरा उपयोग कर समाज का भला करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, हम इनके स्कोर सब अब बतला देते हैं। नेहा जी, जी क्यों ना हम चेतना की इतनी मेहनत और प्रयत्न के लिए आप 50 अंक दे दें। मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि काफी कुछ सही बतला दिया था इन्होंने। चेतना को 50 पॉइंट दिए जाते हैं। और अब इनका स्कोर हुआ है, चेतना टीम के हैं 50 अंक और प्रेरणा के 150। किसी ने ठीक ही कहा है कि जियो तो शान से जियो, नाक ऊंची करके जियो। हाँ, नीची नाक करके जीना भी कोई जीना है। जैसे कृष्ण भगवान ने, मतलब बाल कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पहाड़ उठा लिया, तो नाक पर भी, मतलब पहाड़ तो नहीं पर कोई छोटी मोटी चीज तो उठाई जा सकती है ना। कहीं आप हमारे अगले खेल की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल। हमारा अगला खेल थोड़ा मुश्किल है। पहले हम आपको बता दें कि ये ग्रुप गेम है, आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ ये जो पाइप है उसको आप अपनी नाक पे रखेंगे, ठीक है, और आपका एक साथी आपके दाएं तरफ या बाएं तरफ खड़ा रहेगा। जैसे ही आपके नाक से ये पाइप गिरेगा वो उठा के आपको देता चला जाएगा और आप टोकरी में जितने पाइप डालेंगे उतने अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। एक पाइप के 100 अंक, और याद रखिएगा क्योंकि ये सामूहिक खेल है आपको समय दिया जाता है 1.5 मिनट का। तो आपका समय शुरू होता है अब। साथ में जाइए, मदद कीजिए अगर इनकी। अरे जबरदस्त बैलेंस है, आगे आगे टोकरी पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी भागिए, जल्दी भागिए, जल्दी 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 जल्दी। समय समाप्त होता है, समय समाप्त हो गया। चलिए आप इनकी टोकरी उठाइए। और ये चेतना, 1, 2, 3, 4 और ये 5। चेतना टीम को मिले हैं पूरे 500 अंक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी प्रेरणा टीम को मिले हैं 700 अंक। अब आप अब तक के कुल मिलाकर कितने अंक हुए हैं बता दीजिए। चेतना टीम को मिले हैं 550 अंक और प्रेरणा को 850 अंक। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। सुर सजे ना सजे लेकिन संगीत का मजा हमें लेना ही चाहिए। आज का तीसरा राउंड हमेशा
अक्षरा खेलते हैं। इसका नाम है अक्षर अंताक्षरी। आइए, चूंकि आप दोनों टीमें पहली बार खेलने आए हैं, मैं आपको इस खेल के बारे में मतलब अक्षर अंताक्षरी के बारे में कुछ समझा दूं, ठीक है? देखिए, आपको हम बारी बारी एक एक गाना सुनाएंगे। आपको क्या करना है कि गाने का जो आखिरी शब्द है और आखिरी शब्द का आखिरी अक्षर, उसे पहचानना है, उसे याद रखना है। फिर वहां पड़े कुछ अक्षरों में से उस अक्षर को चुनना है और यहाँ अपने बोर्ड पर लगाना है। और ख्याल रखे, अक्षर ढूंढने से लेकर बोर्ड पे लगाने तक आपको सिर्फ 20 सेकंड का समय दिया जाता है। पहला गाना आप सुनाएंगे प्रेरणा टीम को। बिल्कुल था धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल। भागिए, जल्दी से ढूंढिए, समय आपके पास 20 सेकंड। नहीं, गलत शब्द उठाया भाई आपने। तो आपने लगा दिया। अब गाना सुनते हैं हम चेतना टीम का। दिल्ली, आपका बोर्ड आ रहा, 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी कीजिए। गलत शब्द लगाया है। मुझे दूर से लगा जब ये गलत शब्द है। माँ जैसा लगता है, कोई बात नहीं। तीसरा गाना प्रेरणा टीम के लिए। हम तो चले परदेश हो गए, हम तो चले परदेश। जल्दी। अरे वाह भाई वाह। अब भाई चौथा गाना हम सुनाएंगे अपने टीम चेतना को। गाता रहे मेरा दिल, तुम ही मेरी मंजिल। चलिए भागिए जल्दी, 20 सेकंड है आपके पास। और ये रहा आपका बोर्ड, यहाँ लगाना है आपको। ढूंढिए जल्दी वो अक्षर, जल्दी। बहुत बढ़िया। अब फिर हम आते हैं प्रेरणा टीम पर, उनका गाना सुनाइए। लाल खड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। बोलेंगे नहीं, श्रोताओं में से कोई नहीं बताएगा, हमारे प्रतियोगियों को कोई नहीं बताएगा। चलिए, समय बहुत कम बचा है आपके पास। समय समाप्त हो गया, सॉरी। नहीं, इनको नंबर दे दीजिए, यहाँ तक पहुँच गए थे। हाँ। चलिए अब आखिरी गाने की बारी है। गाने की बारी है हमारे टीम चेतना के लिए। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। आइए ढूंढिए उस अक्षर को और यहाँ अपने बोर्ड पर लगाइए। बहुत बढ़िया। आप दोनों को बोनस मार्क भी मिल सकते हैं अगर आप इन अक्षरों में से कोई शब्द बनाकर हमें फौरन दिखा दें। लेकिन आपको समय दिया जाएगा फिर 20 सेकंड का। आपका समय शुरू होता है।
तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। समय समाप्त हो गया तो बोनस पॉइंट किसी को नहीं मिलेंगे। आइए आइए बैठिए। हमारे चेतना टीम को मिले हैं 200 अंक और प्रेरणा को भी 200 अंक ही मिले हैं। अब तक के कुल मिलाकर अंक हम बता दें, चेतना को मिले हैं 750 अंक और प्रेरणा टीम को मिले हैं 1050 अंक। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे राउंड यानी चौथे भाग पर, जो कि है प्रश्नावली में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम आपसे बहुत सीधे सरल सवाल पूछेंगे और इन सवालों के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहला सवाल, शिक्षक दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। नहीं, गलत। सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है? खेलकूद के लिए। सबसे ज्यादा फिल्में किस देश में बनती हैं? भारत। बिल्कुल सही। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। बिल्कुल सही। किस पेड़ की जड़ें जमीन के भी ऊपर रहती हैं? जमीन के ऊपर भी रहती हैं। बरगद। बिल्कुल सही। बहुत अच्छे। ओलंपिक खेलों में भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? हॉकी। अरे बहुत बढ़िया, इन्होंने चार सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए। इन्हें पूरे 40 अंक दिए जाते हैं। संसार का सातवां अजूबा भारत में भी है, वो क्या है? नहीं मालूम। ताजमहल। बिल्कुल। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? प्रधान। प्रधान। प्रधान के अलावा और कोई शब्द है? चलिए प्रधान शब्द को हम सही मान लेते हैं, वैसे है सरपंच। चलिए। भारत के किस शहर में भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड रेलवेज हैं? कलकत्ता। आप करिश्मा कपूर किसकी पोती हैं? फिल्में नहीं देखते आप लोग? राज कपूर। भारत की किस जगह के बारे में ये कहा गया है कि अगर धरती पे स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है? कश्मीर। कितना टीम में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब आप खेलेंगे तो कोशिश जरूर कीजिएगा। आइए नेहा जी। फाइनल स्कोर्स हुए हैं, चेतना टीम को मिले हैं 750 अंक और प्रेरणा के हैं 1090। अगला हमारा जो खेल है वो है टीम गेम और उसके लिए आपको एक एक मिनट दिए जाएंगे। खेल जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। देखिए यहाँ ये 6 मग रखे हुए हैं और आपको इनसे मीनार बनानी है। लेकिन ये जो मग हैं वो अलग अलग रंग के हैं, एक हरा है, लाल है, नीला है। वहां से मग उठा उठा के आपको यहाँ पर एक इमारत बनानी है, अपनी इमारत। ऐसे 6 मग लगाएंगे तो आपको मिलेंगे 100 अंक और इसके ऊपर अगर आप एक और मग लगाएंगे तो उसके लिए आपको 50 अंक और दिए जाएंगे। मतलब अगर आप 7वां लगाए, 8वां लगाए, 9वां लगाए या 10वां, आपको 50 अतिरिक्त अंक मिलते रहेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप दूसरी मीनार दूसरी तरफ बना सकते हैं। इस खेल का नाम है निर्माण। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम है आपके पास, सिर्फ 1 मिनट का। बहुत बढ़िया। अच्छे तो हो गए, 7वां भी आ गया, क्या बात है। तुम्हारा बनाना पड़ेगा या फिर आप एक और इमारत यहाँ खड़ी कर सकते हैं। मग्गो वाली
आपका। समय समाप्त होता है, चलिए कोई बात बहुत नहीं। बहुत अच्छी कोशिश की थी लेकिन असफल रहे, कोई बात नहीं। आइए अब बारी है हमारे दूसरे टीम की, चेतना आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी आ, तब तक मग ले आइए। समय समाप्त, लेकिन बहुत अच्छी मीनार तैयार की आपने। एक इमारत तो आप बना पाए हैं, इसीलिए आपको मिलते हैं पूरे 100 अंक। चलिए फाइनल स्कोर्स है चेतना 850 और प्रेरणा 1090। राकेश जी, कहते हैं रिश्तों में गांठ नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन पति पत्नी जब आपस में मिलते हैं तो गांठ से ही मिलते हैं। बिल्कुल। मेरा इशारा हमारे अगले खेल की तरफ है। हाँ, मतलब जिसका नाम है पक्के धागे जी, और जिसे हम गांठ बांध कर खेलेंगे। बिल्कुल, आइए अपने प्रतियोगी को हम समझा दें। ये देख रहे हैं आप, ये दोनों छतरियां जो बनी है इन पे जो धागे लटकते हुए देख रहे हैं आप, वो अलग अलग रंग के। आपको करना ये है, दोनों अलग अलग रंग के धागे आपको साथ में बांधने। जितनी गांठ आप बांधेंगे उतने ही ज्यादा अंक आपको मिलेंगे, ठीक है? याद रखे, एक रंग के नहीं होने चाहिए दोनों धागे। समझ में आया आपको? हाँ, आपको दिया जाता है इस खेल के लिए सिर्फ 1.5 मिनट। आपका समय शुरू होता है अब। अब। जल्दी जल्दी दोनों अलग अलग रंग के होने चाहिए, सिर्फ 1.5 मिनट है आपके पास। एक गांठ मारकर छोड़ दीजिए। सारी गांठ बांध ली इन्होंने। अरे वाह, जल्दी करिए, जल्दी कीजिए। बांधो तो गांठ तो बांधो। लीजिए 9, 10, 11 और वहां कितना है नया जी? चेतना टीम की गांठें हैं 15। क्या बात है, आइए बैठिए। आखिरी राउंड में चेतना टीम ने बनाए हैं 150 अंक और प्रेरणा ने सिर्फ 110। लेकिन आज कुल मिलाकर दोनों टीम ने जो अंक बनाए वो नेहा जी आप बताएंगी? बहुत बढ़िया है, दोनों ही अंक चेतना टीम के हैं 1000।
लेकिन प्रेरणा के हैं 1200। तो आज के हमारे विजेता हैं प्रेरणा टीम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिक्षा ही हमारे जीवन को का खा गा का मार्ग दिखाती है, तभी हम जीवन की हर स्पर्धा में किसी भी चुनौती भरे प्रश्नों के उत्तर हंसते खेलते दे सकते हैं। आपको देती है स्मरण शक्ति बनाए रखने का गुण, आपका संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है, आपके हर सफल निर्माण कार्य में आपकी सहयोगी बनती है। कड़ियां जुड़े तो जंजीर बने, शिक्षा पाए इंसान तो संपूर्ण इंसान बने। शिक्षा हमारी जरूरत है, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिक्षा हमारी मदद करती है हमें उस अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, हमें वो ताकत देती है ताकि हम हर चुनौती का डटकर मुकाबला कर सके, है ना। हमारे आज के विजेता मतलब प्रेरणा टीम हमारे अगले दूसरे सेमीफाइनल राउंड में भाग लेंगे। और आप भी देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है चुनौती। चुनौती साक्षरता ही है सफलता की कुंजी, इकलौती चुनौती। अज्ञान हटे शिक्षा के मिले जब मोती, इसी ज्योत से जीतेंगे हम जीवन की हर चुनौती। चुनौती